कौन जीतेगा आज का मैच आईपीएल 2024 का 48वां मैच जो कि खेला जाएगा लखनऊ सुपर जायंट्स वर्सेस मुंबई इंडियंस के बीच। आपको इस वीडियो में दो टीमों का हेड टू हेड रिकॉर्ड और ये बहुत सारे रिकॉर्ड के साथ साथ दो टीमों का टीम कंपैरिजन और टीम एनालिसिस करने के बाद आपको इस वीडियो में मेरा पर्सनल मैच प्रेडिक्शन बताया जाएगा। आखिर मुझे क्या लगता है दो टीमों से कौन सी टीम मैच को जीत सकती है, मैच को विन कर सकती है। तो वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो वीडियो को आप लोग पूरा जरूर से देखें। चलिए आज की हमारी इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं अफरीदी भाई के बारे में। अगर आप भी टॉस और मैच पढ़ना चाहते हो तब इनसे कांटेक्ट कर सकते हो। इनका नंबर आपको स्क्रीन पर और नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इनका काम बहुत ही अच्छा है तो कॉन्टेक्ट जाए कर सकते हो। सबसे पहले तो हम बात करते हैं यहाँ पे इन दो टीमों के हेड टू हेड रिकॉर्ड के बारे में, क्योंकि आपको पता ही होगा किसी मैच को जीतने के लिए हेड टू हेड रिकॉर्ड कितना ज्यादा मायने रखता है। अगर इन दो टीमों के हेड टू हेड रिकॉर्ड की बात करें, इन दो टीमों के बीच जो लास्ट के 4 आईपीएल मुकाबला खेला गया है, 3 मुकाबले में लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम जीती है, 1 मुकाबले जो है मुंबई इंडियंस की टीम जो है जीत के आ रही है। इन दो टीमों के बीच जो लास्ट आईपीएल मुकाबला खेला गया था उस मुकाबले में जो है मुंबई इंडियंस की टीम जो है फर्स्ट बैटिंग करते हुए लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम से 81 रन के बड़े अंतर से जो है जीत गई थी। यह मुकाबला आईपीएल 2023 के सीजन में खेला गया था। वहीं अगर बात करें यहाँ पे दो टीमों के रिसेंट फॉर्म की, लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम रिसेंट फॉर्म की बात करें, लास्ट के 5 मैच जो खेली है 3 मैच यहाँ पे हारी है, 2 मैच यहाँ पे जीती है। बात करें मुंबई इंडियंस की टीम की रिसेंट फॉर्म की, लास्ट के 5 मैच जो खेली है 3 मैच यहाँ पे हारी है, 2 मैच यहाँ पे जीती है। वही अगर बात करें यहाँ पे दो टीमों के टीम कंपैरिजन के बारे में तो आपको बता दूं लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम लास्ट के 10 आईपीएल मैच जो कि सभी टीमों के साथ खेली है 50% विनिंग परसेंटेज रहा है। एवरेज स्कोर है 173 का, हाईएस्ट स्कोर है 213 रन का, वही लोएस्ट स्कोर है 101 रन का। बात करें मुंबई इंडियंस की टीम की, मुंबई इंडियंस की टीम लास्ट के 10 आईपीएल मैच जो कि सभी टीमों के साथ खेली है 30% विनिंग परसेंटेज रहा है। एवरेज स्कोर है 194 का, हाईएस्ट स्कोर है 247 रन का, वही लोएस्ट स्कोर है 125 रन का। वही अगर बात करें आईपीएल 2024 की यहाँ पे लेटेस्ट पॉइंट्स टेबल के बारे में तो आपको बता दूं लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम इस पॉइंट्स टेबल नंबर 5 पे है, वहीं मुंबई इंडियंस की टीम जो है इस पॉइंट्स टेबल में नंबर 9 पे है। लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम अभी तक आईपीएल 2024 में टोटल यहाँ पे 9 मैच खेली है, 5 मैच जीती है, 4 मैच हारी है। मुंबई इंडियंस की टीम जो है आईपीएल 2024 में ये भी टोटल 9 मैच खेली है बट केवल 3 मुकाबले जीती है, 5 मुकाबले अपने हारी है। तो चलिए बात करते हैं यहाँ पे दो टीमों के टॉप 5 बेस्ट प्लेयर्स के बारे में जो कि आपको इस मैच में काफी अच्छा खासा प्रदर्शन दे सकते हैं, चाहे बैटिंग के मामले से हो चाहे बॉलिंग के मामले से हो। तो इस लिस्ट में पहला नाम आता है यहाँ पे केएल राहुल का, दूसरा नाम आता है क्विंटन डिकॉक का, तीसरा नाम आता है निकोलस पुरन का, चौथा नाम आता है यहाँ पे मार्कस स्टोनिस का, वही पांचवा नाम आता है मोहसिन खान का। वही अगर बात करें मुंबई इंडियंस की टीम के टॉप 5 बेस्ट प्लेयर्स के बारे में, इस लिस्ट में पहला यहाँ पे जो नाम आता है रोहित शर्मा का, दूसरा नाम आता है ईशान किशन का, तीसरा नाम आता है सूर्य कुमार यादव का, चौथा नाम आता है हार्दिक पांड्या का, पांचवा नाम आता है जसप्रीत बुमराह का। चलिए थोड़ा थोड़ा अब इस मैच के पिच रिपोर्ट के बारे में बात जो है कर लेते हैं। पिच रिपोर्ट की बात करें तो ये जो मैच है भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी क्रिकेट स्टेडियम में ये मैच खेला जाने वाला है। अगर बात करें इस स्टेडियम के पिच की ना, तो इस स्टेडियम के पिच पे जो आपको एवरेज स्कोर जो है वही जो है 200 के आसपास का देखने को मिल सकता है, बट कभी कभी इस स्टेडियम में ऐसा भी होता है कि 145 रन बन पाता है और उतना स्कोर भी जो है 145 स्कोर भी जो डिफेंड आराम से हो भी जाता है, क्योंकि इस स्टेडियम में बहुत सारे पिचेस का यूज किया जाता है, कभी कभी स्लो पिच का यूज किया जाता है और कभी कभी जो हाई स्कोरिंग पिच का जो यूज किया जाता है। बाकी आपको बता दूं लखनऊ सुपर जायंट्स का जो है यहाँ पे विनिंग परसेंटेज बहुत ज्यादा है मुंबई इंडियंस से, यानी ज्यादा मैचेस लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम अपने होम ग्राउंड में जीती हुई है। चलिए बात करते हैं मेरे यहाँ पर्सनल मैच प्रेडिक्शन के बारे में, लेकिन उससे पहले आप जाकर देख लो अभी तक आपने जो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन किया है कि नहीं किया है। अगर नहीं किया है तो फटाफट जाकर ज्वाइन कर लो, लिंक मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर बिल्कुल फ्री में मैच का प्रेडिक्शन दे दिया जाता है। और जैसे कि आपको पता है इस आईपीएल मैच के बाद बहुत सारे मैचेस आने वाले हैं, अगर आपको सही मैचों का प्रेडिक्शन बिल्कुल फ्री में चाहिए तो टेलीग्राम चैनल को जरूर से ज्वाइन कर लो, लिंक मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। बहुत ज्यादा फायदे में रहोगे इन सारे मैचेस में, तो जाओ जाके ज्वाइन कर लो, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। और हाँ, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ अफरीदी भाई के बारे में। अगर आप भी टॉस और मैच पढ़ना चाहते हो तब इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। इनका नंबर आपको स्क्रीन पर और नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इनका काम बहुत ही अच्छा है तो कॉन्टैक्ट जाए
कर सकते हो। अगर बात करें मेरे यहाँ पर्सनल मैच प्रेडिक्शन के बारे में, तो आपको बता दूं दोनों टीमों का टीम कंपैरिजन और टीम एनालिसिस करने के बाद जहां तक मुझे लगता है इस मैच में कौन आपको जो है मुंबई इंडियंस की टीम आपको इस मैच को जीतती हुई, इस मैच को विन करती हुई दिखाई दे सकती है। बट आपको बता दूं ये मेरा मैच का फाइनल वेट नहीं है, क्योंकि देखो कभी कभी ऐसा होता है ना मैच शुरू होने से पहले मैच पर कोई बड़ी खबर आ जाती है जिस कारण मैच का प्रेडिक्शन चेंज भी हो सकता है। इसलिए बोल रहा हूँ मैच का फाइनल अपडेट, मैच का फाइनल प्रेडिक्शन जो है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिलेगा मैच शुरू होने से पहले। तो जिन लोगों ने ज्वाइन नहीं किया जाके ज्वाइन कर लो, लिंक मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। लेकिन टेलीग्राम पर जाने से पहले वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले। मिलती है आप किसी और वीडियो में, जब तक के लिए।